मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराह सांसद वीडी शर्मा का आज कटनी आगमन हुआ। प्रदेश स्तरीय नर्सिंग स्टाफ द्वारा धरना प्रदर्शन का लगातार दूसरा दिन जारी है। जिला अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठी नर्सों से मिलने आने का कार्यक्रम पूर्व में घोषित किया गया, मगर नर्सों से मिलने आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। वहीं पुराने कचहरी के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे वीडी शर्मा को नर्सों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को ज्ञापन के माध्यम से रखी, जिसमें वीडी शर्मा ने कहा कि नर्सों का योगदान अभूतपूर्व है और उनका योगदान जो कोरोना काल में भी सेवाएं दी गई है वो अविस्मरणीय है और हम नर्सों का स्वागत करके सम्मान करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर की नर्सों को सम्मान करने के उपरांत उन्होंने नर्सों की हड़ताल के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नर्सों से मिलकर बात करेंगे और उनका सम्मान करते हैं, किसी तरह से नर्सों के साथ अन्याय नहीं होगा। नर्सों का कहना है कि हमारी मांगे सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जी का विशेष तौर पर उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर्स जो अपनी जान पर खेल करके दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं, तो इस पर हम उन सब लोगों को सम्मानित करना, उनको ताकत देना, उनके मान सम्मान के साथ खड़ा होना। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर्स डे पर उनका सम्मान करने का काम भी किया है। हमारी बहन नर्सें आज, उनके साथ भी हम मिलेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि नर्सों के कारण से भी वो भी लगातार इस सेवा में लगी हैं और लगातार वो काम करती हैं। तो उनके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएं हैं कि उनके साथ सम्मान करना उनका, तो आज हम नर्सों का भी आज यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उनके सम्मान का कार्यक्रम है। मैं आर खड़ा करना ये भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कर रही है, उनको प्रशिक्षित करके हर गांव में इस प्रकार के कार्यकर्ता खड़े होंगे जो इस प्रकार के हेल्थ में मदद करने का काम करेंगे। इस काम में भारतीय जनता पार्टी लगी है। सर हैं नर्सों से, मैं अभी मेरी नर्स बहनें अभी यहाँ आई हैं, हम उनसे भी बात करें, उनका सम्मान भी। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।